नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में आज बीजेपी द्वारा सीएए के समर्थन में जन जागरण अभियान का आयोजन किया गया। हालांकि बारिश के चलते शहर में बीजेपी के जन जागरण मार्च पास्ट को नहीं निकाल गया। सुभाष बराला ने कहा कि 20 जनवरी तक गांव और शहरों में उनका ये अभियान जारी रहेगा, जिसमें लोगों को सीएए के प्रति जागरूक किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए सुभाष बराला ने कहा कि जेएनयू के मामले में उनकी प्रतिक्रिया साफ है। सुभाष बराला ने कहा कि जेएनयू में इससे पहले भी कई तरह के अराजक तत्व सक्रिय रहे हैं और देश को बांटने के नारे भी जेएनयू से ही शुरू होते हैं। उन्होंने कहा कि किस प्रकार जेएनयू में कल गुंडागर्दी की गई पिछले पूरे देश ने देखा। उन्होंने कहा कि जेएनयू को तबाह करने का काम गुंडागर्दी के नाम पर किया जा रहा है। वहीं कुछ लोग अपनी विचारधारा को पुनः पोषित करने के लिए लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री हमेशा के और उनके द्वारा रिपोर्ट मांगी गई है, उन्होंने विश्वास है कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं टोहाना में जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली द्वारा सुभाष बराला पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को बराला ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की मानसिकता छोटी होती है। वहीं उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि जितना विकास टोहाना में हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ, टोहाना विकास के कार्यों में सदा अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार लोगों ने इस प्रकार की अहंकारता का परिणाम जरूर देगी, क्योंकि कुछ लोगों में अहंकार आ जाता है, ईश्वर उन्हें समृद्धि दे। उन्होंने कहा कि गठबंधन की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। जिस समय जेजेपी के विधायक के द्वारा यह आरोप लगाए गए हैं उस समय दुष्यंत चौटाला भी वहां मौजूद थे और उन्हीं के द्वारा मामले का संज्ञान भी लिया गया है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला अपनी पार्टी में इस प्रकार की व्यवस्था को देखने का काम जरूर करेंगे। इसके अलावा इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला द्वारा की जा रही बयानबाजी को लेकर के बराला ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला के पास कुछ भी कहने के लिए बचा नहीं है, लोगों को बहलाने के लिए वे इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। सरकार गठबंधन में पूरे साल चलने वाली है। वहीं दूसरी ओर रोडवेज के चक्का जाम को लेकर के सुभाष बराला ने कहा कि सरकार रोडवेज में जिस प्रकार का बदलाव की जरूरत थी सरकार ने किया है और जनहित में उसे किया भी गया है। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर के सुभाष बराला ने कहा कि हरियाणा में कई मंत्रियों की ड्यूटी दिल्ली में लगाई गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी विधायक पूर्व मंत्रियों की ड्यूटी भी दिल्ली में लगा दी गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश धनखड़ और कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली गए हैं और दिल्ली में बीजेपी के संपर्क करके किसी प्रकार के कार्यकर्ताओं को काम में लगाना है ये वहाँ मंथन किया जाएगा। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी जिला फतेहाबाद की तरफ से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पक्ष में पूरे देश में पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चलाया हुआ है। कल से हमने पूरे प्रदेश के अंदर घर घर जाकर के इसके बारे में जानकारी देने का अभियान शुरू किया और 20 जनवरी तक हम एक ये कार्यक्रम लेकर के चले हैं कि इसमें एक जगह एक तरफ जहां घर घर जाने का अभियान चलाया जाएगा, दूसरी तरफ बाजारों में निकल करके रैलियां निकाली जाएंगी, मार्च निकाले जाएंगे। और वैसे ही आज रैली का कार्यक्रम शहर के अंदर बाजार के अंदर रैली निकालने का कार्यक्रम आज हमने फतेहाबाद में रखा है। इसमें एक बात बहुत स्पष्ट सी बात है कि जेएनयू में आज से नहीं, जेएनयू में बहुत समय से इस प्रकार के अराजक तत्व सक्रिय रहे हैं और जब जब पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए उन्हीं लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध भी किया। और कल सारा देश इस बात को देख रहा था कि कुछ गुंडा तत्व जेएनयू के अंदर घुसे और वहां पर तोड़फोड़ की, आपस में मारपीट की, जो पूरी तरह से निंदनीय है। एक विद्या अध्ययन के केंद्र को किस प्रकार से गुंडागर्दी के नाम पर उसको तबाह करने का काम वहां पर किया जा रहा है। अपनी विचारधारा, जिस विचारधारा का देश से लगभग विलोपन सा होता जा रहा है, उस विचारधारा को पुनः पोषित करने के लिए कुछ तत्व लगे हुए हैं और इन अराजक तत्वों की पोल पहले भी खुली है। पहले भी किस प्रकार से जेएनयू के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे, देश विरोधी नारे लगाए गए, देश तोड़क बातें वहां पर की गई और वही लोग आज फिर एक बार सक्रिय हैं। कुछ लोग पर्दे के पीछे से सक्रिय हैं, कुछ लोग पर्दे के आगे भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये जो भी कांड हुआ है जेएनयू के अंदर बड़ा निंदनीय है
और इसकी जितनी भी कड़ी भर्त्सना इसकी की जाए वो कम है। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी उसकी सारी रिपोर्ट मांगी है और मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ कि जो भी इसमें दोषी लोग होंगे निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजा साहब, कल देवेंद्र सिंह बबली का बयान आया, उन्होंने कहा कि जो मेरे से पहले विधायक थे उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था कि मैंने अपने हलके में काफी विकास कराए। जी जी जी, विकास तो करवाए नहीं, जो पैसा आया था वो तिजोरी में डाली। इससे पहले भी वो सवाल उठा चुके हैं आप पर, इस पर देखिए सरकार गठबंधन की है। कुछ लोगों की सोच बड़ी छोटी होती है, विकास कभी छुपता नहीं है। आप सबको आमंत्रित करता हूं, आप सब लोग टोहाना विधानसभा के, खाली टोहाना विधानसभा नहीं, इस जिले के, आप गांव गांव में जाकर के देखिए, आप शहर में जाकर के देखिए। और जहां तक टोहाना का सवाल है तो टोहाना के गांव को हरियाणा में जिस प्रकार से गांव के अंदर शहरों जैसी सुविधा हमारी सरकार ने देने का एक सिलसिला शुरू किया था, उसमें टोहाना विधानसभा अग्रणी रहा है। मुझे लगता है कुछ लोगों को ये बात दिखाई देती नहीं है। कई बार लोगों के अंदर इस प्रकार का अहंकार आता है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार का जो मद, इस प्रकार का अहंकार और इस प्रकार के अहंकार में जो इस प्रकार की बातें लोग करते हैं उनको सद्बुद्धि दे। और जहाँ तक बात भ्रष्टाचार की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत पारदर्शिता के साथ चली। मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर चुने हुए नुमाइंदों के प्रति इस प्रकार की कोई बात करता है, कोई इस प्रकार की बात सामने लेकर के आए, और जहाँ तक किसी की बात है, चाहे को राजनीतिक व्यक्ति है चाहे को कर्मचारी अधिकारी है, सामने आने पर वो पहले भी नहीं बख्शा गया और आगे भी किसी की कोई इस प्रकार की बात आएगी, किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। सरकार आज भी भारतीय जनता पार्टी के बेशक गठबंधन की है लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है। गलत बातें करने वाले या गलत काम करने वाले लोगों को, भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को इस बात को हमेशा ध्यान में रख करके चलना ही होगा। आपने लगा नहीं इस तरह की बयानबाजी से गठबंधन के लिए घातक है। मैं इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। गठबंधन चल रहा है, गठबंधन की मर्यादाएं हैं, वो गठबंधन के नेता वहां पर, उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहां पर थे, वहां पर दुष्यंत चौटाला जी थे, उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया है और मैं समझता हूँ वो अपनी पार्टी में इस प्रकार की व्यवस्था वो जरूर देखने का काम करेगा। 14 दिन के पैरोल पर बाहर आए, पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, लगातार गठबंधन की सरकार पर काम है, बोले जल्द ही चुनाव होंगे, ज्यादा दिन तक नहीं सरकार नहीं चलेगी। देखिए अब उनके पास और कुछ कहने के लिए है नहीं, वो केवल अपना दिल बहलाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। सरकार 5 साल के लिए जनता ने मैंडेट दिया है और मैं बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार की प्रोग्रेसिव सरकार 5 साल पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली और उसके कारण से अब जो भी विधायक विधानसभा में पहुंचे हैं सब लोग ये चाहते हैं विपक्ष को छोड़ करके कि एक बार फिर से 5 साल के लिए जो मैंडेट दिया है 5 साल के लिए ईमानदार, पारदर्शी और जवाबदेह सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर चले। तो ये ख्याली पुलाव लोग अपना सेक रहे हैं, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। सरकार पूरी तरह से मजबूत है और दृढ़ता के साथ जनता की सेवा करते हुए आगे बढ़ने वाली है। अहम से बलराज कुंडो जो विधायक है निर्दलीय, वो भी आपके जो पूर्व सरकारी सरकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर पर काफी आरोप लगा दिए, बोले अगर ऐसा ये भ्रष्टाचार नहीं रुका तो मैं अपना समर्थन वापस ले लूंगा। देखिए उसका जवाब मनीष ग्रोवर जी ने दिया है और मैं समझता हूँ कि वो भी हर बात को समझते हैं और जो भी हरियाणा की तरक्की चाहता है और जिसने सरकार को समर्थन दिया है वो पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े होकर के 5 साल तक अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करने का काम करेगा। एक आखिरी सवाल, कल से रोडवेज का जो चक्का जाम होने जा रहा है 2 दिन की हड़ताल देखिए, सरकार ने पहले भी
जनहित के अंदर रोडवेज में जिस प्रकार की बदलाव की जरूरत थी, जिस प्रकार की नई सुविधाएं देने की जरूरत थी, वो सारी बातें की हैं। और मैं समझता हूं कि ये 8 तारीख की जो हड़ताल है, इसका भी समाधान होगा, बातचीत के माध्यम से होगा। क्योंकि दिल्ली चुनाव आ रहे हैं, इसमें हरियाणा बीजेपी की क्या भूमिका? इसमें हरियाणा बीजेपी के कुछ नेताओं की जिम्मेवारियां हम पर लगाई गई हैं। हमारे विधायक पूर्व मंत्री, ऐसे कई लोगों को वहां पर लगाया गया है। और पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश धनखड़ जी, सारे जो वहां पर कार्यकर्ता गए हैं, उनका दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ कोऑर्डिनेट करके कैसे कैसे कार्यकर्ताओं के काम में लगाना, इस बात को देख रहे हैं।